करोड़ों किसान जो है आंदोलन कर रहा है, ये तो सब भटक गए। बस लाली एक तू ही समझदार बची है कि एक बच्चा भटकता हुआ दिल्ली से बंगाल आ गया कलकत्ता, और वहां वो जब बचल गया तो वो आवाज लगाता फिर रहा, दीदी ओ दीदी, दीदी ओ दीदी। दीदी ने उसे बुलाया, पुचकारा, और 2 मई को उसे खाना खिलाया और दिल्ली की ट्रेन में बैठा के वापस दिल्ली भेज दिया। जैसे लठ उत्तर प्रदेश के अंदर लठ खाने आएगा, जिस तरह दीदी ने 2 चांटे मार के ट्रेन में बैठा के घर भेज दिया, उत्तर प्रदेश वाले 2 चांटे लगा के अगर गुजरात नहीं भेज दे अब के तो देख लेना। योगी जी से तो कोई शिकायत नहीं है, योगी जी का काम है कि जाओ मठ में और पूजा करो। आप अपनी लड़ाई से भटक चुके हैं, पहले 3 कानूनों की पर लड़ाई थी, अब आप कह रहे हैं देश की लड़ाई, आप भटकते अच्छा। हुए नहीं नजर आ रहे हैं। अच्छा, कि आप भटक ये देश का इतना किसान है, इतना लाखों करोड़ों किसान जो है आंदोलन कर रहा है, ये तो सब भटक गए। बस लाली एक तू ही समझदार बची है। गंगा में अंतिम संस्कार नहीं हो पाया, गंगा के किनारे उस हिंदुओं के कब्रिस्तान बन गए जो हिंदू धर्म में अपमान है। आप कह रहे हैं, और सुन बेटे, और उसी के कारण 4 दिन पहले घड़ियाली आंसू रोया, देश का झांसा राम। वो तो किसके दर्द को, आप लोगों के, किसका है, किसी है? 471 किसानों की शहादत हो चुकी है, किसी एक किसान के लिए उसने बोला नहीं बोला ना? और वहां पता क्यों भावुक हुआ, तुम्हें भावुकता दिखानी थी और रिजर्व बैंक से 99,000 करोड़ रुपया लेना था, ये भावुकता थी उसकी। और दूसरी चीज, वहाँ पे 2 दिन बाद उसने जो है 2 दिन बाद वहाँ पे मीटिंग करी, आज मैं भावुक हो रहा। अरे जिसके परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है 13 दिन तक वो कोई शुभ कार्य नहीं करता। ऐसा नहीं लग रहा, ऐसा भी तो देखा जा रहा है, आप यहाँ आंदोलन करते रहिए, वही बीजेपी है, वो यूपी में एजेंडा सेट हो गया है, आरएसएस और बीजेपी की मीटिंग भी हुई है अभी कुछ दिन पहले। देखिए, बिहार के अंदर किसान गए थे सिर्फ किसानों को समझाने के, MSP मांग लेना, तो वहाँ क्या हाल हुआ है? और ये तो यूपी है, वहाँ तो बीजेपी जीत गई। कहाँ जीत गई, सरकार बन गई होगी। देखिए, वहाँ बताया था, बताया, अरे सुनिए, बंगाल की सुनिए, ममता ने बताया कि एक बच्चा भटकता हुआ दिल्ली से बंगाल आ गया कलकत्ता, और वहां वो जब बचल गया तो वो आवाज लगाता फिर रहा, दीदी ओ दीदी, दीदी ओ दीदी। दीदी ने उसे बुलाया, पुचकारा, और 2 मई को उसे खाना खिलाया और दिल्ली की ट्रेन में बैठा के वापस दिल्ली भेज दिया। बंगाल वो तो गए थे अपने वोट बैंक के लिए, आप किस लिए गए थे बंगाल? हम अपने, आप तो बंगाल गए थे ना, हम अपने को ढूंढने गए थे, आप ना? किसी बच्चे को ढूंढने गए होंगे? हम तो अपने किसानों को समझाने के लिए गए थे कि देखो भाई, ये आपसे एक मुट्ठी चावल मांगने आ रहे हैं, और इस चावल को तो देना ही मत, ये पूछ लेना इसकी MSP कब मिलेगी, ये वो है। तो वो MSP उनको पता चल गई, पता नहीं थी उन्हें। अब जब MSP पता चल गई तो फिर तो पता चल गया उन्हें कि देश का चोर कौन है। अब उसी की तरह हाथ मारा करूंगा मैं भी। और बहनों भाइयों, क्या करें, बंगाल में तो बहुत जोर लगाए पर बंगाली बगाए में नहीं आए, अब बारी उत्तर प्रदेश की है। और बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश वाले भी लक्ष्य लेके बैठे हैं कि 15,000 करोड़ से ज्यादा उनका गन्ने का बकाया है, तो कैसे दें? आप कह रहे लठ लेके बैठे, भाई एक इस समय ट्रेन चल रहा है, आएगा तो मोदी ही आएगा। हाँ, चल रहा है इस समय, हाँ जाएगा चुनाव के बाद, आएगा तो मोदी ही, पर करने क्या आएगा ये नहीं चला रहे वो। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर लठ खाने आएगा, जिस तरह दीदी ने 2 चांटे मार के ट्रेन में बैठा के घर भेज दिया, उत्तर प्रदेश वाले 2 चांटे लगा के अगर गुजरात नहीं भेज दे अब के तो देख लेना। तो योगी जी से तो कोई शिकायत नहीं आता है? योगी जी का काम है कि जाओ मठ में और पूजा करो, उनसे तो कोई शिकायत नहीं। अरे शिकायत, अरे देखिए, उनके 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 राज में उत्तर प्रदेश का किसान, मजदूर, नागरिक
ऑक्सीजन नहीं मिली, दवाई नहीं मिली, बेड नहीं मिली, और जब अंतिम समय आया तो मरने के बाद शमशान घाट नहीं मिले, उन्हें गंगा में बहाना पड़ा, गंगा के किनारे उनकी कब्र बनानी पड़ी, और कब्र बनाने के बाद भी इस योगी जी को तसल्ली नहीं हुई, क्योंकि हवा में वो रेत उड़ गया और उनकी कब्र दिखने लगी, तो वहाँ आदमी भेजकर उनकी जो कब्र पर उनका वो क्या बोलते हैं कफन था वो भी उतरवा रहा है ताकि दिखाई ना दे। जहाँ किसानों को अन्नदाता कहा जाता है, वहीं आप इतना बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, क्या ये सही है आंदोलन करना आपको? सही। देखिए, अन्नदाता कहा जाता है किसानों को। जब सरकार गद्दार हो जाए, बेवफा हो जाए, देशद्रोही हो जाए, तो जब जब जरूरत पड़ी है, मां कसम इन किसानों ने दरांती को हथियार बनाया है और अब फिर बनाएगा, लड़ेगा हर सरकार से, लेकिन हथियार उनकी गर्दन काटने के लिए नहीं बनाएगा। आज टेलर देख लिया, पिक्चर फिर देख लेना। ऐसा तो नहीं कि जैसा कंटिन्यू चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा? क्यों बता दूं, 27 का क्यों लग रहा? अभी हमारे आदेश नहीं आया, हमारे नेता का माननीय राकेश टिकैत जी का अभी कोई आदेश नहीं आया। अड़ियलपना खत्म नहीं करोगे आप? अपना अड़ियलपना खत्म नहीं करोगे? देखिए, ये किसान वो है कि अगर अपनी जिद पे आ जाए, गन्ना ना दे भेली दे देगा, तो इसे बता देना जाके उसे, गुजराती बाबू को, दोनों को, तड़ी पार को भी और झांसा राम को भी। जैसा कि अभी तो आपने केवल टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर और कहीं दिल्ली के बॉर्डर ही सील किए, और अब आप टोल प्लाजा पे भी जा रहे हैं धरना देने, तो ऐसा नहीं लग रहा कि आप हर जगह धरना दे रहे हैं? देखिए, हम किसान, आम लोगों को दिक्कत होगी ना? अरे, आम लोगों का जीवन बचाना है, जो रोज उस पे ट्रैवल करते उन लोगों को दिक्कत होगी? उनका जीवन बचाना है कि वो आने वाली नस्ल उनकी कहाँ से भोजन खाएगी? बताइए, 100 रुपए की रोटी, 50 रुपए की रोटी कौन खा लेगा? बताओ कौन? तू खा लेगी 50 रुपए की रोटी? क्या तेरा परिवार खा लेगा? ये फसल की, नस्ल की, आन की, बान की, शान की, हर चीज की लड़ाई है, और अब तो देश बचाने की लड़ाई है कि देश बिक चुका है। पूरे देश को किसान ही जलाना चाहते हैं, पूरे सिस्टम को किसान ही जलाना चाहते हैं। अरे, देश में 70% किसान है, 70%, तो देश किसानों से चलेगा, किससे चलेगा? ये भारत देश कृषि प्रधान देश है, अगर किसान की नहीं सुनेगा तो वो राज नहीं करेगा। अगर किसान की बात माननी पड़ेगी तो राज करोगे, और जो किसान की बात नहीं सुनेगा वो हिंदुस्तान पे आज के बाद राज नहीं आप करेगा। आप कह रहे किसानों की बात माननी पड़ेगी, तो ऐसा कीजिए ना, आप अपनी एक अलग पार्टी बना लीजिए, ज्यादा बेटर है, किसी और को वोट देने से अच्छा आप अपने इंसान को वोट दीजिए। आज तुमने कहा कि अगर किसान की बात आई एक पार्टी बना लो, कल को कहोगे तुम्हें ऑक्सीजन चाहिए ऑक्सीजन की फैक्ट्री लगा लो, परसों कहोगे हॉस्पिटल बना लो, तो सारा काम किसान ही करेगा? अरे, पूरे सिस्टम का ठेका नहीं ले रखा हमने, लेके विद्यार्थियों का आ गई, शिक्षकों का आ गई, सबके सबके तो पूरी बात सुन, बेटे हमारे, इनको नौकरी चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए तो इनकी लड़ाई कौन लड़ेगा? इनका बाप ही तो लड़ेगा है, तू तो आने का नहीं, इनकी लड़ाई लड़ने है। दूसरी चीज, हम कृषि करते हैं तो हमारी खेती का हमें लड़ना है, हमारे बच्चे बीमार होंगे तो हॉस्पिटल के लिए लड़ेंगे, सरकार बनाई है तो सरकार से लड़ रहे हम। अभी तक सन्नाटा था, आज फिर रौनक शुरू हो गई यहाँ से, अभी तक सन्नाटा था यार, थारा पता नहीं चलता भाई, आज से फिर नहीं, थारा पता नहीं चलता। आदमी कम करे तो आदमी बॉर्डर पे रहे नहीं, तो तवाई आदमी चार बढ़ जाओ, नुका यहाँ तो भीड़ कर दीजिए, भीड़ कर दी तो तवाई। अरे, उस झांसा राम से पूछ के आओ, अपने चाचा से, चाचा से पूछ के आओ अपने, के चाचा कितनी भीड़ चाहिए बॉर्डर पे, जो तेरी आँख खुले उससे पूछ के।